वेलकम एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट कर रहे थे, हमने बल्कि किया हुआ था स्टार्ट लेरिंजियल पैरालिसिस, और उसके आखिरी ये लेक्चर है जिसमें मैंने आपको बेसिकली कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स बता रही थी जो कि हम करते हैं जब हमारा कंबाइंड पैरालिसिस हो जाए, यानी रिकरेंट लेरिंजियल एंड सुपीरियर लेरिंजियल नर्व दोनों का पैरालिसिस हो जाए, तो हमें क्या क्या चीज़ें जो हम कर सकते हैं। बिकॉज उस कंडीशन में आपका लैरिंग्स का सारा सेंसरी लॉस भी हो जाता है और मोटर लॉस भी हो जाता है। उसमें एक तो तरीका ये है, हम वोकल कॉर्ड प्लाइकेशन कर दें। अभी वोकल कॉर्ड प्लाइकेशन में हमने करना ये होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस तरह के पैरालिसिस में हमारे दोनों वोकल कॉर्ड्स होते हैं कैडावेरिक पोजीशन में, एक तो फ्लॉपी होंगे, बिल्कुल ही लॉस ऑफ टेंशन होगी, और ये इस जगह से हिल भी नहीं सकते क्योंकि मोटर लॉस है सारा का सारा। और दूसरा, सेंसेशन सारी खत्म होती हैं, तो इस वजह से चीज़ें एस्पिरेट हो के सारी अंदर जा रही होती है और नमूनिया हो रहा होता है पेशेंट को। तो हम एक ये काम करते हैं कि हम इन दोनों को वोकल कॉर्ड प्लाइकेशन में हम क्या करते हैं कि जो इनका म्यूकोजा है ना, फॉल्स और ट्रू वोकल कॉर्ड के दरम्यान में जो म्यूकोजा है, हम उस म्यूकोजा के फोल्ड्स को ला के सेंटर में, सेंटर लाइन में सूचर कर देते हैं। मतलब आप ये समझिए कि दोनों को ला के सेंटर में बंद कर देंगे रास्ता। वो बंद इसलिए कर देंगे क्योंकि इस रास्ते से मुसलसल एस्पिरेशन हो रही थी कॉन्टेंट्स की, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ से रास्ता बंद करते हैं, उसे कहते हैं वोकल कॉर्ड प्लाइकेशन। लेकिन जाहिर है कि नीचे से हमें ट्रेक्योस्टमी करनी पड़ती है ताकि हम जो एयर वे है वो मेंटेन कर सकें। दूसरा जो तरीका, टोटल लेरिंगेक्टमी, ये तब करते हैं कि पूरा का पूरा आपको लेरिंग्स और ये वोकल कॉर्ड जो सब कुछ रिमूव करना पड़े, यानी ये रास्ता ही रिमूव करना पड़े, ताकि जब आपकी बहुत ज़्यादा एस्पिरेशन हो रही है और आपके पास और कोई रास्ता नहीं है तब आप ये करेंगे, ठीक है, और लेरिंगेक्टमी कर देंगे पूरी। फिर है डाइवर्जन प्रोसीजर, ये बहुत ज़्यादा तब करते हैं जब इंट्रैक्टेबल एस्पायरेशन हो रही हो, पेशेंट को बहुत एस्पायरेशन हो। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये करना है कि आप ये सपोज करें कि दिस इज द लेरिंग्स और यहाँ पर आपका ट्रेकिया शुरू हो रहा है, ठीक है, ऊपर वाला लेरिंग्स है और नीचे, यहाँ से नीचे ट्रेकिया है, और आपको पता है कि साइड व्यू से हम देख रहे हैं, आगे ट्रेकिया होता है, पीछे आपका इसोफिगस होता है, ये आपका इसोफिगस पड़ा हुआ है। अब इसमें आप ये करते हैं कि जो ट्रेकिया का थर्ड और फोर्थ रिंग है उसके बीच से आप इसको कट लगाएंगे, ट्रेकिया को आप अलग कर देंगे, ऊपर से आप ट्रेकिया को कर देंगे, जो ट्रेकिया का ये ऊपर वाला जो पोर्शन होगा जहाँ से आपने कट लगाया वहाँ से आप उसको निकाल लेंगे बाहर, और गर्दन से उसकी कर देंगे ट्रेकियोस्टमी, यहाँ ट्रेकियोस्टमी कर दी। अभी जो ऊपर लेरिंग्स रह गया और पहला रिंग ट्रेकिया का, इसको आप पीछे की तरफ जोड़ देंगे विद द इसोफिगस। इसका क्या फ़ायदा होता है, इस प्रोसीजर का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ से लेरिंग्स से जो चीज़ें एस्पिरेट हो रही हैं वो सीधा उन्हें रास्ता मिल जाएगा इसोफिगस में, और वो जाने लग जाएंगी यहाँ से इसोफिगस से, ठीक है, एस्पिरेट होके आएंगी और इसोफिगस में जाएंगी, ज़ाहिर स्टमक में चली जाएंगी, कोई मसला नहीं है। और जो एयर वे है आपका वो इस ट्रेकियोस्टोमी के थ्रू मेंटेन हो जाएगा, तो इसको कहते हैं डाइवर्जन प्रोसीजर। लेकिन जाहिर है इट इज़ एन इनवेसिव प्रोसीजर जो हमें बहुत सिवियर कंडीशन में करना पड़ता है। फिर आपकी फोनो सर्जरी का इन्होंने एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या सर्जरीज है जो हम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पहले तो आपकी कोई भी, अगर इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि पहला आपका कोई भी अगर न्यूरोनल सॉरी कोई एनरिज्म है, कोई ट्यूमर है, तो आपने उसको रिमूव करना है, टू रिमूव द या फिर टू रिलीज द लेरिंजियल पैरालिसिस। ओके गाइस, तो जो फोनो सर्जरी का टॉपिक है जिसमें आप बेसिकली प्रोसीजर्स बता रहे हैं कि किस तरह वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, उसमें पहले तो आपने जो भी कॉजिटिव एजेंट है उसको रिमूव कर देते हैं, दूसरा आप वोकल कॉर्ड को मीडियलाइज करने के लिए, क्योंकि जितना वोकल कॉर्ड मीडियलाइज होता है उतनी आपकी वॉइस की क्वालिटी बेहतर होती है, लाइक ज़रूरी नहीं है लाइक वो अच्छी तरह से मूव कर सकते हैं, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं टेफ्लॉन पेस्ट, ठीक है। टेफ्लॉन पेस्ट एक जेल लाइक मटीरियल है जो आप जब इंसर्ट कर देते हैं ना वोकल कॉर्ड में, तो वोकल कॉर्ड भारी हो जाते हैं जिसकी वजह से वो मीडियल साइड पर चला जाता है, तो मीडियलाइजेशन ऑफ वोकल कॉर्ड एक तो होती है आपकी टेफ्लॉन पेस्ट से। फिर आपका प्रोसीजर होता है थायरोप्लास्टी। थायरोप्लास्टी को चार पार्ट्स या फिर चार टाइप्स में डिवाइड किया है, वन टाइप टू टाइप थ्री एंड टाइप फोर। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह की थायरोप्लास्टी जरूरत है, उस हिसाब से आप टाइप वन टू थ्री या फोर करते हैं। टाइप वन में करना होता है कि आप जो है वो टेफ्लॉन पेस्ट के जरिए टाइप वन थायरोप्लास्टी में यही मीडियलाइजेशन कर देंगे वोकल कॉर्ड की, कि अगर आपका ये पूरा ऐसे है और ये आपका वोकल कॉर्ड है लैटरलाइज हुआ हुआ, ठीक है, ये वाला, तो आप टेफ्लॉन पेस्ट को इंजेक्ट करेंगे इसमें ताकि उसके फोर्स से वो जो है वो मीडियलाइज हो जाए, तो ये थायरोप्लास्टी टाइप वन है। थायरोप्लास्टी टाइप टू हम तब करते हैं जब हमारी वोकल कॉर्ड जरूरत से ज्यादा मीडियलाइज होते हैं और हमें उसे लैटरलाइज करना है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सर्जिकली वोकल कॉर्ड को एरेटेनाइड वाली जगह पर सर्जरी करके उसको लैटरलाइज करते हैं थोड़ा सा, ये टाइप टू है। फिर आपको मैंने बताया था कि जब हमारे पास, मैंने आपको सुपीरियर लेरिंजियल नर्व का पैरालिसिस पढ़ाया, तो मैंने आपको कहा कि सुपीरियर लेरिंजियल नर्व के पैरालिसिस में टेंशन का जो है वो लॉस हो जाता है टीकोथायराइड मसल, तो वोकल कॉर्ड्स टेंस नहीं रहते, और जब वोकल कॉर्ड्स टेंस नहीं रहते, रिलैक्स हो जाते हैं, तो ऐसे में वॉइस की जो पिच है
वो लो हो जाती है, वॉइस की पिच लो हो जाती है। टेंशन ऑफ द वोकल कॉर्ड जितनी ज़्यादा होगी उतनी वॉइस पिच ज़्यादा होगी, और जितनी टेंशन कम होगी उतनी वॉइस की पिच भी कम होगी। तो हमारे पास टाइप 3 थायरोप्लास्टी में हम जानबूझ के वॉइस की पिच को कम करते हैं बाय रिलैक्सिंग द वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। जिनको या तो वॉइस की पिच अपनी बहुत ज़्यादा लगती है, या फिर वो चाहते हैं कि उनकी वॉइस की पिच कम हो, स्पेशली जो जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करवाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फीमेल्स की पिच ज़्यादा होती है और मेल्स की पिच कम होती है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने जेंडर को ट्रांसफ़र कराते हैं फ्रॉम मेल्स फीमेल टू मेल, उसमें क्या होता है कि फिर वो ये सर्जरी करवाते हैं जिसमें वो वोकल कॉर्ड्स को जानबूझ के रिलैक्स करवाते हैं, उसकी टेंशन को डिक्रीज करवाते हैं। जब उसकी टेंशन डिक्रीज हो जाएगी, वो रिलैक्स हो जाएगा, तो वॉइस की पिच खुद ब खुद कम हो जाएगी। जितना रिलैक्स होगा उतनी पिच कम होगी। इसको कहते हैं थायरोप्लास्टी टाइप 3। और इसके ऑपोजिट जिन लोगों ने जेंडर को ट्रांसफॉर्म करना होता है फ्रॉम मेल्स टू फीमेल, उनने अपनी वॉइस की पिच को ज़्यादा करना होता है, तो वो जानबूझ के टेंशन करवाते हैं, मजीद इंक्रीज इन द वोकल कॉर्ड, और ये हमारे पास होता है थायरोप्लास्टी टाइप 4। तो ये जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के केसेस में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आपको बताया था मैंने। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हुआ, बाद में हम अगला स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी। और ये सब लोगों को बताना भूल गई थी मैं कि मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है लिंक फॉर द MCQs। जिन लोगों को इशू होता है कि किस तरह से MCQs को आप अपने परफेक्ट बना सकते हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच।